मैं आपका डीजे प्रीतम, और जैसा कि आज मैं दिखाने वाला हूँ, हम मेरा सेटअप लगा हुआ है बाउल प्रोग्राम में, तो क्या क्या लगा हुआ है चलिए देखो। गाइस ये रहा कुछ इस तरह सेटअप, जो दो पीस बड़ा बड़ा आउट पे बंगला बॉक्स, और दो पीस आपका डबल टॉप ये साइड पे और इस साइड पे, और एक पीआर जो कि हाई लो करके है स्टेज पे, और चार पीस मॉनिटर। दो पीस मॉनिटर, दो पीस आपका हो गया वोकल के लिए, और दो पीस आपका इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो इस तरह है कुछ बॉक्स का सेटअप, और चलिए देखते हैं एम्पलीफायर। तो गाइस ये रहा एम्पलीफायर, चलिए कौन सा एम्पलीफायर में कौन सा बॉक्स चल रहा है दिखाते हैं। ये जो एम्प्रो हो गया 4500, इस पर चल रहा है एक ठो हाई और एक ठो लो, जो कि 1000 वाट का 18 इंची है, और 400 वाट का टॉप एक साइड पे चल रहा है, और दूसरे साइड पे सेम हाई लो, और यहाँ पे इक्वलाइजर डॉट का, ये BTZ आउजा का 1000 पे चल रहा है दो पीस टॉप, और ये आउजा का 500 में चल रहा है आपका दो पीस 12-12, और रोलैंड री 800 में हो गया आपका वोकल। और ये आउजा एलेक्स स्टॉक पे है, और BTZ 1000 पे चल रहा है आपका हॉर्न एक साइड करके, और इधर आपका हो गया इसमें चल रहा है हॉर्न 250 पे, इसमें भी हॉर्न, और ये इस बोस्टर पे चल रहा है आप दो पीस मॉनिटर, जो कि 1000 वाट का बोस्टर है SPA आउजा की तरफ से, और ये आपका आउजा SPA 500 में चल रहा है दो पीस मॉनिटर, और दो पीस स्टेबलाइजर लगा हुआ है, और 1 kg का कॉटलेस वोकल के लिए, और रिकॉर्डिंग के लिए ये आउजा का AD पे 30R स्टूडियो मास्टर प्रो 3 मिक्सचर, और यहाँ पे देखिए आज लगा हुआ है V3 और RV3 वोकल के लिए, और V3 RV3 आपका बांसुरी के लिए, ये देखिए, और यहाँ पे चल रहा है वोकल का एक तो कॉर्डलेस है वायरलेस, और एक पीस वायर वाला, इस तरह है। और प्रोग्राम जब चालू होगा उसका वीडियो डालते रहे। Oh,